दोस्तों, आप लोगों में से तो बहुत सारे लोग ये बात अच्छी तरीक़े से जानते होंगे कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में अपने YouTube चैनल को कैसे ले जाया जाता है। ये तो कोई बताने की बात नहीं है। फिर भी बहुत सारे ऐसे न्यू क्रिएटर हैं जो कि अपना चैनल को अभी अभी स्टार्ट ही किए हैं, उन्हें पता नहीं होता है, कन्फ्यूज़न होता है कि अपने यूट्यूब चैनल को कैसे दूसरे मोबाइल में चलाएंगे, या मोबाइल मेरा गुम हो जाता है तो कैसे, जैसे कि उस चैनल को फिर से मैं अपने मोबाइल में चलाएंगे दूसरे मोबाइल में। ये कन्फ्यूज़न होता है बहुत सारे क्रिएटर को, न्यू क्रिएटर को। ऐसा हमें भी हुआ था जब मैं न्यू चैनल स्टार्ट किया था, तो ये कुछ दिन के लिए हमें भी ये थॉट आता था कि अगर मेरा मोबाइल गुम हो जाता है, भुला जाता है, तो मैं अपने चैनल को क्या वापस ला सकते हैं। तो हाँ, वापस ला सकते हैं, बहुत ही आसान है। वीडियो के साथ बने रहिए, काफ़ी आसान तरीका है जो कि आप अपने मोबाइल को दूसरे मोबाइल में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप अपने मोबाइल के जीमेल एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। जो कि ये जीमेल एप्लीकेशन है, इसको ओपन कर लीजिए। ये हर किसी के फ़ोन में होता है। और यहाँ पर जैसे कि जीमेल एप्लीकेशन ओपन होने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक प्रोफाइल का एक ऑप्शन दिख रहा है जो कि आपका जीमेल आईडी लॉगिन होगा। तो इस प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। गाइस, इस प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप जितने भी जीमेल आईडी आपके मोबाइल में लॉगिन होगा, सारा जीमेल आईडी यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको बता दूं कि चैनल तभी बनता है जब आपका जीमेल आईडी से ही चैनल बनता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि बिहारी मस्ती 2 मेरा यूट्यूब चैनल है, जो कि इसको मैं अपने दूसरे मोबाइल में ले जाना चाहता हूँ, इस मोबाइल में से हटाना चाहता हूँ, तो ले जा सकते हैं। अगर आपका इस केस में अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है, तो आपको सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, आपको आपका जीमेल आईडी मालूम होना चाहिए और पासवर्ड मालूम होना चाहिए। तो आप आसानी से किसी भी मोबाइल में आप अपने चैनल को लॉगिन कर सकते हैं और चैनल को ला सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर मोबाइल गुम हो जाता है तब। अगर मोबाइल गुम नहीं है, फिर भी आप चाहते हैं कि इस मोबाइल में मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है और दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र हो जाए, तो यहाँ से करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर देख लीजिए, बिहारी मस्ती 2 चैनल है जो कि ले जाना चाहता हूँ मैं दूसरे मोबाइल में। तो यहाँ से जीमेल आईडी आपको सबसे पहले यहाँ से आपको कॉपी पर लिख लीजिए, चाहे याद भी रहेगा तो चलेगा, आपकी याद रहेगा। तो इसको कॉपी पर लिख लेना है। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि मेरा जीमेल आईडी है, इस जीमेल आईडी को कॉपी पर लिख लेना है और पासवर्ड को कॉपी पर लिख लेना है आपको। पासवर्ड को कॉपी पर लिखने के बाद आपको करना क्या है, अब चलते हैं दूसरे मोबाइल में, आपको बताते हैं कि कैसे हमको दूसरे मोबाइल में अपने जीमेल आईडी को यूट्यूब चैनल को लॉगिन करना है। तो आप सक्सेसफुली अगर जीमेल आईडी में लॉगिन कर लेते हैं, तो आपका चैनल भी हो जाएगा। तो यहाँ से चलते हैं दूसरे मोबाइल में। तो यहाँ पर मैं दूसरे मोबाइल में आ गया हूँ। यहाँ पर भी आपको वही प्रोसेस करना है। करना क्या है, आपको जीमेल आईडी को ओपन करना है। जीमेल आईडी को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे फिर से प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जैसे मैं बहुत सारा जीमेल आईडी यूज करता हूँ, यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की ओर यहाँ पर दिखना है, ऐड अनदर अकाउंट का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करेंगे। गाइज, ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको गूगल एक ऑप्शन आ रहा है सबसे ऊपर, तो गूगल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। गाइज, गूगल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मैं आपको यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ, जो कि मैं मोबाइल में लगा कर रखा हूँ। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर खुलने के बाद थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको बोले थे कि जीमेल आईडी और पासवर्ड को अपने जैसे कॉपी पर लिख लेना है, चाहे आप याद भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जीमेल आईडी बॉक्स पर टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर जीमेल आईडी डालना पड़ेगा, जो कि मैं अपना यहाँ पर जीमेल आईडी डाल लेता हूँ। यहाँ पर जीमेल आईडी सही डालना है, चेक कर लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं अपना जीमेल आईडी डाल लिया हूँ। डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट करना है, यहाँ पर नेक्स्ट का एक ऑप्शन है, इस पर टैप करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दूसरा पेज खुलेगा, तो वेट करता हूँ। तो यहाँ पर दूसरा पेज खुलने के बाद यहाँ पर देख लीजिए, बोल रहा है यहाँ पर इंटर योर पासवर्ड। तो आपको पहले ही बोला हूँ कि आपको पासवर्ड याद रखना पड़ेगा, तभी आप अपने चैनल को लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल भी गए हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन है। आप YouTube पर सर्च मारिए कि हाउ टू रिकवर जीमेल आईडी पासवर्ड, तो यहाँ पर आपको वीडियो आ जाएंगे, आप वीडियो देखकर आप सीख सकते हैं। अब वीडियो देखकर ही सारा बात को मैं भी सीखता हूँ, ऐसा बात नहीं है कि मैं किसी गुरु से ज्ञान लेता हूँ, मैं वीडियो देखकर ही सारा ज्ञान लेता हूँ। तो आप ये सर्च मारकर आप पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड, में हमको मालूम है भूला नहीं हूँ, तो यहाँ पर पासवर्ड मैं अपना डाल लेता हूँ। यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर फिर से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए, आई एग्री करना है। आई एग्री करने के बाद यहाँ पर चेकिंग लेगा। तो यहाँ पर जैसे कि मेरा सक्सेसफुली जीमेल आईडी लॉगिन हो गया है, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल भी लॉगिन हो गया, क्योंकि जीमेल आईडी से ही यूट्यूब चैनल बनता है। तो
तो यहाँ पर मेरा जीमेल आईडी भी लॉगिन हो गया है और यूट्यूब चैनल भी। तो मैं यूट्यूब पर अब जाते हैं, यूट्यूब पर जाने के बाद अब चेक करते हैं कि मेरा जीमेल आईडी वापस आया है कि नहीं। तो यहाँ पर YouTube यहाँ पर खुल गया है जो कि YouTube एप्लीकेशन। फिर से आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर प्रोफाइल के एक ऑप्शन है, यहाँ पर देख लीजिए राइट साइड में ऊपर कॉर्नर पर प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक तीर का आइकन यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर देख लीजिए इस तीर के आइकन पर क्लिक करेंगे। इस तीर के आइकन पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद थोड़ा देर रिफ्रेश लेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए जो कि मेरा बिहारी मस्ती 2 चैनल था, यहाँ पर सबसे नीचे जो कि आ गया है, जो कि मैं लॉगिन किया हूँ, ये पहले से मेरा चैनल है। तो यहाँ पर बिहारी मस्ती 2 जो कि मेरे दूसरे फ़ोन में भी ये आ गया है। तो ऐसे आप अपने चैनल को पा सकते हैं दोबारा से, अगर मोबाइल भी गुम हो जाता है चाहे अन्य कोई भी कारण से जीमेल आईडी भी भूल जाते हैं, उसका भी सोल्यूशन है कि आप जीमेल आईडी निकाल सकते हैं अपने मोबाइल नंबर से। तो ये है तरीका। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद पड़ा होगा। अगर वीडियो पसंद पड़ा होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो अपने चैनल पर हर दिन हर रोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टाटा बाय।